एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित नूरियो सराय गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। लगभग 10,000 की आबादी व 4600 वोटरों द्वारा नसीमा बेगम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 848 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 220 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 52 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंपों को रिवोल कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, 10 सोलर लाइट व 50 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 32 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 438 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं मोहम्मद आमिर, प्रधान ग्राम पंचायत नूरी सराय, ब्लॉक पम्बासा, तहसील संभल का निवासी हूँ और हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं सभी कार्य सुरक्षित और अच्छे कार्य हुए हैं और साफ सफाई भी हमने बहुत ध्यान दिया है, जो कि हमने स्वस्थ भारत अभियान के तहत जो सीखा है वो हमने ग्राम प्रधान होने के नाते जो हमने काम किए हैं उन्हीं सभी कामों को हमने पूरा किया है। जैसे हमने मॉडल शौचालय बनवाए हैं प्राइमरी स्कूल में और भी हमने काम किए, जैसे लोहिया आवास बनवाए हैं, करीब लोहिया आवास हमने 24 लोहिया आवास बनवाए हैं और हमने एक प्रधानमंत्री आवास बनवाया है और भी हमारे जो पात्र लाभार्थी रह गए हैं हमारे उनको भी हम उनका लिस्ट में उनका नाम लेंगे, पात्रता सूची में उनका नाम लेंगे और उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। हमारी जितने भी ग्राम प्रधान में और काम किस्त आती है उनका बहुत अच्छा हम का खर्च करते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करते, बिल्कुल पूर्व वैसे ही लगता है पैसा, काम के समय पर लगता है पैसा, साफ सफाई में लगाते हैं और हमने सीसी टाइल की रोड भी बनवाई है, हमने सीसी रोड भी बनवाए हैं जो अभी और भी हमें काम करना है आयोग को। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मानदेय है वो 3500 रुपये है, वो मानदेय हमारा बढ़ा करके 10,000 रुपये करीब करना चाहिए जो हमारी मेहनत को देखते हुए जायज है। और ये जो हमारे हैंडपम्प है, हमारे गाँव की टंकी है, टंकी बननी चाहिए जो पानी की शुद्ध पेयजल हमें उपलब्ध हो सके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारे गांव में होनी चाहिए और हमारे केंद्र सरकार से जो भी है ग्राम पंचायत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी इस चीज़ का और ध्यान भी देती है, सरकारें बहुत ध्यान देती हैं ग्राम पंचायत पर भी और इस पर भी, हम ये सोचते हैं थोड़ा और अगर ध्यान दे दिया जाए, जैसे कि मानते हैं और हमारे हैंडपम्प हैं और क्या नाते टंकी है और पंचायत घर है, पंचायत घर हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है जो हमें बहुत आवास आया। दीपांशु काफ़ी अच्छा काम कराया है प्रधान जी ने, काफ़ी अब से पहले कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मतलब टूटी फूटी सड़क थी जिससे निकलने में परेशानी होती थी, बरसात में पानी भरा रहता था, जब से ये मतलब रास्ता पड़ा थोड़ी हमें राहत मिली है, इसी तरीके से काफ़ी अच्छा काम करा रहे हैं प्रधान जी, हमें थोड़ी राहत की सांस मिली है तब से मतलब थोड़ी इनकी प्रधानी में इनका काम शुरू हुआ है। मैं प्रधान कुरैशी ग्राम नूरियो सराय का रहने वाला हूँ, पंडवागंज पम्बासा ब्लॉक। यहाँ प्रधान द्वारा जितने भी काम हो रहे हैं बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं और बहुत ही सुरक्षा मिल रही है सभी रहने वालों को, प्रधानमंत्री आवास हो या चाहे सड़कें हों या चाहे शौचालय हों, सभी चीज़ों से यहाँ पब्लिक वो है स्वस्थ हैं, स्वच्छ भारत अभियान का हो या कुछ भी हो, सभी यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सुविधाएं सारी दे रहे हैं ग्राम प्रधान नूरियो सराय के मोबिन प्रधान, यहाँ के रहने वाले ग्राम प्रधान मोबिन।